लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले 50 ओवर के क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की 17 सदस्यीय टीम के गहन निरीक्षण के बाद एकाना क्रिकेट स्टेडियम को 5 विश्व कप मैचों की मेजबानी के लिए चुना गया है। अभी जो हम लोग का हमने बनाई इसको पूरे वर्ल्ड के हिसाब से अभी आईसीसी की टीम भी आई थी, उसने भी इसको बहुत तारीफ करके गई है कि ऐसा स्टेडियम इंडिया में नहीं है। और वर्ल्ड कप के हिसाब से हम लोग ग्राउंड बहुत अच्छा बना रहे हैं और बिल्कुल डिफरेंट लगेगा आपको वर्ल्ड कप के अंदर सारे टेलीकास्ट के अंदर। बाकी तो ड्रेसिंग रूम और सब चीज़ तो आपने देखी ली, तो वो तो बेस्ट है ही हमारे पास। यहाँ पर जो भी प्लेयर्स आते हैं वो यहाँ के ड्रेसिंग रूम की बहुत तारीफ़ करते हैं। कोई वर्ल्ड में ऐसे ड्रेसिंग रूम, इतने बड़े ड्रेसिंग रूम इतनी फैसिलिटीज़ के साथ कहीं और है नहीं। स्टेडियम में फिटनेस सुविधाओं और आइस बाथ के साथ कई और सुविधाएं हैं। सबसे खास बात यह है कि यहां की एलईडी स्क्रीन भारत के किसी भी क्रिकेट स्टेडियम के मुकाबले सबसे बड़ी है, जो 1800 वर्ग फीट में फैली है। एलईडी स्क्रीन जो हमने लगवाई है ये इंडिया की लार्जेस्ट है। ये 1800 स्क्वायर फीट की एक स्क्रीन है और इसके अंदर क्लियर नहीं आती है, तो आप कभी भी दिन में भी मैच हो और रात में भी मैच हो तो आपको एक जैसी ही फीलिंग आती है इसके अंदर। ड्रेनेज सिस्टम जो है इसका, वो अभी जो हमने डिज़ाइन किया है वो बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है। पूरा ये ग्राउंड जो है वो सैंड बेस्ड है, इसमें सॉइल यूज़ नहीं होती है, तो जो भी पानी आता है वो 10-15 मिनट के अंदर इसके अंदर पूरा पानी निकल जाता है और निकल के मोड में चला जाता है और मोड से वो वाटर हार्वेस्टिंग होके रिसाइकिल हो जाता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में कहीं पर किसी ग्राउंड में नहीं है कि वाटर हार्वेस्टिंग भी ग्राउंड के अंदर हो। जो अभी इस बात इशू आ रहा था कि बीसीसीआई से पैसे, मतलब वाटर जो थोड़ा सा वेस्ट होता है ग्राउंड्स के अंदर, वो हमारे वहाँ नहीं होता है। हमारे वहाँ वाटर पूरा रिसाइकिल हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान से खेलने के बाद मौजूदा विश्व चैंपियन इंग्लैंड के साथ 29 अक्टूबर को होने वाला भारत का मुकाबला 50,000 दर्शक क्षमता वाले एकाना स्टेडियम में होगा, जिसके खचाखच भरे होने की उम्मीद है। ये हम लोगों के लिए और लखनऊ वालों के लिए, उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग को 5 मैच मिले। इसके लिए हम जय शाह जी का और आयुष शुक्ला जी का बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने लखनऊ को इतना महत्व दिया और ख़ास तौर पे इंडिया इंग्लैंड का जो मैच दिया, को वही बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। इंडिया पाकिस्तान के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई मैच है तो ये मैच है जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने जा रहा है। यहाँ 50,000 कैपेसिटी और मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड वाला मैच तो फुल जाएगा, बाकी भी 50-60% हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि पब्लिक आएगी मैच देखने के लिए। जो यूपी के लोग हैं वर्ल्ड कप देखना चाहेंगे तो सब लोग दूर दूर से लोग आते हैं, आपको तो पता है, नए नेपाल से लोग यहाँ पर आते हैं मैच देखने के लिए। 50 ओवर का क्रिकेट विश्व कप 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में शुरू होगा। लखनऊ वासियों को अपना पहला मैच 13 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, जब ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत दक्षिण अफ्रीका से होगी। इसके बाद 29 अक्टूबर को हाई प्रोफाइल भारत बनाम इंग्लैंड मुकाबला होगा।